हेलो स्टूडेंट्स आज अस्तित्व के और एक पोर्शन पे आज हम लोग आए नीट 2024 में जो जिस पोर्शन पे मतलब ये वाला टॉपिक शायद एनसीआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया गया है बट फिर भी है तो कुछ साइंटिस्ट के कंसेप्चुअल नाम पे कुछ क्वेश्चंस भी इससे स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं और इस बार ये टॉपिक 2024 में बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि बोर टॉपिक बोर इफेक्ट एंड हेल्डन इफेक्ट ये कहाँ से आया है कैसे हम लोग उसको रिलेट कर रहे हैं कहाँ से कैसे कुछ जाएगा उसी अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे ये वीडियो प्लीज अंत तक बने रहिए और इस पोस्टन से एक क्वेश्चन इस बार नीट में आने का चांसेस 99.99 नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट हंड्रेड परसेंट एश्योर्ड है तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो में देखिए बोर इफेक्ट कैसे होता है हेलन इफेक्ट क्या है उसके ऊपर हम लोग ये आज वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं नॉर्मली हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है ब्रीदिंग चैप्टर के बारे में ब्रीदिंग ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसमें हम लोग जैसे कि देखें के, देखे के आ, एल होता है हम लोगों का एल के चारों तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं ऐसा डायग्राम एन में भी है ऑलरेडी तो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर पे ऐसे आर होते हैं ऐसे कुछ आर होते हैं ये मेम्ब्रेनल कंडीशन से जो यहाँ पे एंट्री करेगा और जो यहाँ से बाहर जाएगा तो बेसिकली जो यहाँ से एंट्री करेगा एंट्री करने वाला कॉन्सेप्ट होता है हम लोगों का पलमोनरी आर्टरी ये हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी जो यहां से निकलेगा वो होगा पल्मोनरी वेन तो बेसिकली यहां पे जो आ रहा है मतलब जिस बॉडी से ब्लड को लेके जो यहां पे एग्जैक्टली exactly आ रहे हैं इस पूरे आने का कॉन्सेप्ट में यहां पे नॉर्मली पल्मोनरी आर्टरी सी टू ब्लड कैरी करके लाते हैं और जब यहां से वो बैक करके जाएंगे यहां से जब निकल के जाएंगे यहां पर ओ टू ब्लड वो कैरी करके लेके जाएगा पल्मोनरी वेन ये हम लोगों का यहां पर कॉन्सेप्ट है तो जब ये एलव्यूली के चारों तरफ एलव्यूली के चारों तरफ जब ये ऑक्सीजन हम लोग इन्हेल करते हैं थ्रू इंस्पिरेशन हम लोग जब इन्हील करते हैं इस जगह में ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होता है जो जिसका कंटेंट ज़्यादा होता है ऑब्वियस वे में उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा तो पी ओ टू का पार्शियल प्रेशर इस जगह पर इस सराउंडिंग एंडिया में वो ज़्यादा होता है एंड दैट सेम वे पी सी ओ टू का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कम रहेगा क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली ऑक्सीजन ज्यादा तो सी ओ टू काम ही रहेगा जब पीओ टू ज्यादा होगा एंड पी सीओ टू कम होगा पी सीओ टू कम होगा मतलब कार्बो एक, हम लोग यहां पे कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है एच टू थ्री फॉर्म हो जाता है वो वाला फॉर्मेशन कम रहेगा तो जब ये सीओ टू कम रहेगा एसिड फॉर्मेशन कम होगा एसिड फॉर्मेशन कम होगा तो पी एच ऑब्वियस वे में हाई होगा कम नहीं होगा क्योंकि पीएच हम लोग पता है सेवन एक न्यूट्रल फेज है सेवन से ऊपर जाएंगे तो बेसिक होगा हाई होगा सेवन से नीचे आएंगे तो एसिडिक होगा एस बिकॉज ऑफ यहाँ पे एसिडिक कम होगा तो ये बेसिक की तरफ जाएगा इसलिए पीएच यहाँ पे हाई होगा पी हाई होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो पोर्शन भी यहाँ पे कम होगा क्यों कम होगा एसिड फॉर्मेशन कम हो रहे टूटने का चांसेस कम रहेगा एच प्लस कम निकलेंगे तो एनर्जी रिलेवेलेट कम होगा तो वहाँ से टेम्परेचर कम होंगे टेम्परेचर कम होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ये भी कम होंगे एच प्लस ये भी कम होंगे क्यों लैक्टिक एसिड कब होता है जब हम लोग एक्सेसिव फिजिकल वर्क करते हैं तो उस फिजिकल वर्क तो हम लोग जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उससे मेंटेन नहीं हो पाता वो अप नहीं होता उस चीज़ को उस चीज़ को रिकवर करने के लिए हम लोग बॉडी से जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होते हैं वो बॉडी से टूट जाता है और वो ऑक्सीजन और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं ऑक्सीजन तो उस आ, मतलब ब्रीदिंग को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते थे और जो लैक्टिक एसिड रहता है वो बॉडी के हर एक गटपट में जाके लाइक पेन वगैरह ये सब क्रिएट करते हैं बट ये अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं चाहिए होगा तो लैक्टिक एसिड कम रहेगा एसिड कम है तो ऑटोमेटिक एच प्लस कंटेंट भी कम रहेगा क्योंकि एस पर आ हम लोग जानते हैं कोई भी प्रोडक्ट से जब h+ निकल जाता है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं तो यहाँ पे h+ कम रहेगा क्योंकि एसिडिक कम है यहाँ पे तो ये सब चीज इस कहाँ पे होगा ये पूरा का पूरा एल्विली के चारों तरफ होगा और जब ये होगा ऑब्वियस वे में ऑक्सीजन का एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा और ये लोग बनाएंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीमोग्लोबिन यह ऑक्सीमोग्लोबिन एलवी से लेके जब टिश्यू पोर्शन में आएगा टिश्यू टिश्यू मतलब बॉडी सेल्स एंड ऑल जहां पे आएंगे तो कंप्लीटली ये जो सिचुएशन था ये उल्टा हो जाएगा वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम हो जाएंगे सी यू टू इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर कम था ज्यादा हो जाएगा पीएच ज्यादा थे वो कम हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी कम था वो ज्यादा हो जाएगा एच प्लस कम थे वो ज्यादा हो जाएगा क्यों जब सेल में आएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा रेस्पिरेशन से सीओ टू फॉर्म होगा तो सी ओ टू उस जगह में सी टू का कंटेंट हाई हो जाएगा बाकी ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ऑक्सी हिमोग्ग्लोबिन फॉर्म हुआ था वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन यहाँ पर आके टूट जाएगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जब टूटेगा ऑक्सीजन बॉडी सेल से एब्जॉर्ब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का बाइंडिंग होके यहाँ पे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा जब ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन यहां पे फॉर्म होगा जब ये कार्बामिनो हिमोग्लोबिन यहाँ पे फॉर्म होगा ये यहाँ से इस जगह तक पहुंचेगा मतलब टुवर्ड्स पाल्मन आर्टरी से जाएगा सामने एलव्यूली के साइड में जाएगा जब एलव्यूली के साइड में जाएगा वहां पे ऑटोमेटिक फिर से ऑक्सीजन ज्यादा है तो यहां पे जो हुआ था यहाँ पे भी वही होगा कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन सेपरेट हो जाएंगे हीमोग्लोबिन यहाँ पे चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ये मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके थ्रू डिफ्यूशन अंदर चला जाएगा एलव्यूली के एंड बॉडीज के बाहर चला जाएगा तो ये सिचुएशन होता है यहाँ पे ऐसे ही होंगे तो यहाँ पे जो लोडिंग ऑफ CO2 है CO2 का लोडिंग किसमें हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन डिसोसिएशन है इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं बोर इफेक्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोर इफेक्ट और यहां पे जो ऑक्सीजन का लोडिंग हो रहा है, है हीमोग्लोबिन पे CO2 डिसोसिएट हो जा रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे हेल्डेन इफेक्ट इसको हम लोग क्या बोलेंगे हेल्ड इफेक्ट तो ये होता है बोर इफेक्ट और हेल्थ इफेक्ट रिगार्डिंग इस इसके ऊपर करके बहुत से क्वेश्चंस नए वाले अलग अलग क्वेश्चन सीरीज में आ जाते हैं देते हैं स्टेटमेंट वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ब्रीदिंग चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए ये वाला टॉपिक वहां से देख लीजिए उसके साथ इसका रिकॉग्नीशन कर लीजिए मिला लीजिए देन आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा और ये एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है आप लोगों के लिए प्लीज देख लीजिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑलमोस्ट ये गिफ्ट है नीट टू 24 में मेरे तरफ से थैंक यू फॉर दिस वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस्तित्व नीट का अस्तित्व जीत का हमेशा आप लोगों के साथ हूं खरार हूं और हमेशा रहूंगा आप लोगों का प्यार मिलता रहे बस हम लोग ऐसे अस्तित्व के सीरीज कंटिन्यू करते रहेंगे थैंक यू गाइज